So hi and welcome to this another episode of MBA with Arshi Khan. This is me, Arshi, and in this video I'm going to talk about that how to print allotment letter for MPDTE counseling, right? PG मतलब MBA की counseling जो है वो चल रही है MP में DTE में, और आज जो है वो first round का result जो है वो declare होना है. हो सकता है जब आप ये video देखें तो declare हो चुका हो, but अभी जब मैं shoot कर रही हूँ तो declare होना है. और कैसे आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कि आपको जाना है mpdt.mponline.gov.in पे. जब आप ये ऑफिशियल डीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्सेज में जाना है. एक सेकेंड ऑप्शन आ रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर क्लिक करना है, MBA पे क्लिक करना है और अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है. आप जैसे ही अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, जो कि 21 सितंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे अभी अपकमिंग लिखा आ रहा है. जैसे ही ये रिलीज होगा यहाँ पे क्लिक है, जैसे ये ऊपर के ऑप्शन शो हो रहे हैं वैसा ऑप्शन ये शो करने लगेगा. आपको सभी को पता है अगर हम DTE MP की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कॉलेजेस लाइक आईपर भोपाल, प्रेस्टीज, IMS, DAVV और इवन कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें माधव भी आता है, सती भी आता है, उन सभी के लिए ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो है वो होती है और इसमें TFW कोटा भी होता है. हम सेकेंड राउंड में और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट आज इस एपिसोड में हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि क्या अलॉटमेंट लेटर आप कैसे प्रिंट करेंगे. तो आप यहां से जाके अपना अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं और फिर आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, फीस सबमिट करके, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के. सेकेंड चीज़, दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि क्या मैं ये कॉलेज लूँ, क्योंकि हो सकता है आपने जो कॉलेज चाहा वो नहीं मिला. तो सेकेंड राउंड में क्या मिलेगा उस पर हम लाइव आएंगे और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ हम बात करने वाले हैं MBA की, भले वो MP की हो या फिर महाराष्ट्र की. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.